आज जिन जिन स्थानों पे आप जाते हो, हरिद्वार जाते हो, हरि के चरण टीके थे वहाँ, मथुरा वृंदावन जाते हो, श्री कृष्ण जी हुए थे, जहाँ जहाँ जिन्होंने ऋषियों ने तप किया है, तो उन स्थानों को पवित्र मान के, क्योंकि भूमि पवित्र थी। कुछ भूमि, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जीव हिंसा होती है, जहाँ युद्ध और लड़ाई होती है। पानीपत का मैदान सबसे बुरा था, ख्याल करके देखो, तीन बड़े बड़े ऐसे युद्ध हुए पानीपत के मैदान में, जमीन लाल होगी। अब तो इतने साल बीतने के बाद वो थोड़ी ठीक होगी। और दूसरी बात, कुरुक्षेत्र का मैदान देख लो, 18 दिन की लड़ाई चली थी, 18 दिन में कितने 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया। वो भूमि ऐसी पवित्र थोड़ी थी। तो बोले कि ये भूमि बहुत पवित्र है, यहाँ महापुरुषों के सत्संग हुए हैं। बोले ठीक। चलते चलते और आगे गए, फिर वही किया, फिर नीचे उतर के फिर भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेक किया। कहने लगे यहाँ क्या है? बोले ये वो पावन भूमि है, यहाँ पर संत प्रकट होंगे और ये पवित्र भूमि है, इसलिए पवित्र जगह को मत्था टेक किया जाता है। कई चीज भी ऐसी हो जाती हैं जिनको लेने से, रखने से, उनके पास जाने से भी दोष लगता है। कुछ चीजें ऐसी पवित्र होती हैं जिनको पाने से, उनको देखने से, उनके दर्शन करने से ही शांति मिल जाती है। श्रवण कुमार जैसा मात्र और पितृ भगत पुत्र नहीं होना। उसने कसम उठाई थी कि मेरे माँ बाप अंधे जरूर हैं, लेकिन मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। उनकी इच्छा थी कि हमें तीर्थों पे ले जा, और तीर्थों पे ले जाने से हमारे जो पिछले जन्मों के पाप कर्म किए हुए, जिनके कारण हम अंधे हुए, इसलिए तो हमें तीर्थों पे ले जाएगा, उसका जो पुण्य प्राप्त होगा तो आगे का जन्म हमारा अच्छा होगा। तो पुत्र पहले आज्ञाकारी होते थे, अब तो कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीन युग जो बीते, उन युगों में लड़के पितृ भक्त और मातृ भक्त होते थे। माँ बाप की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते थे, अगर करते थे तो दोष लगता। लेकिन धीरे धीरे कलयुग ने पांव फैलाने शुरू कर दिए, सत्कर्म छोड़ते चले गए लोग, पाप कर्म में उलझते चले गए, तो पाप लोगों के हृदय में ज्यों ज्यों बढ़ता चला गया, सारे नियम, सारे संस्कार, सारी सभ्यताएं, सारी सीमाएं, शिष्टाचार भी टूटते चले गए। तो वही श्रवण कुमार अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार उनको लेके बैंगी बनवा के कंधे पे लाद के, एक में अपनी माँ को बैठाया, एक में अपने पिता को बैठाया, और एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर ले जा रहा था। वहाँ कुछ दिन रुकते, उस पवित्र भूमि पर दर्शन करते, दर्शन तो क्या करने थे, लेकिन वो उस मिट्टी को अपने मस्तिष्क से लगाते, उनको ये होता, वो उनको बता देते कि पावन भूमि है, हम उस जगह आए हैं, ये पूज्य भूमि है। यूं करते करते एक दिन चलते चलते अकारण ही उसके मन में क्रोध आ गया, उस बैंगी को उतार के एक तरफ फेंक दिया, बिना किसी बात के, बिना कोई तकरार के, बिना कोई विचार के, और अपने माँ बाप से कहने लगा कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में फल पाया तुम्हारे यहां जन्म लेके, कष्ट ही कष्ट उठाए हैं। अब सबसे बुरा कष्ट ये हो गया कि मैं आपको उठाए फिरता हूं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन समझदार आदमी वो होता है जो बुरे वक्त में भी विचलित नहीं होता, जो संयम से काम लेता है,
धैर्य जिसके मन में होता है वो हर हालात को विजय कर लेता है। उनका अनुभव था, कहने लगे बेटा मानते हैं हम अपराधी हैं तेरे, हमारा तो पाप कर्म था लेकिन हमारे पाप कर्म के कारण हमें तेरा जीवन भी बर्बाद कर दिया, लेकिन इतने कष्ट उठाए हैं आपने, एक काम कर दे थोड़ा बस। बोले बोलो। क्योंकि वो समझदार थे, उनको पता था तुम्हारा लड़का ऐसा नहीं है, तो इसके विचार इनके खराब क्यों हुए, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जिस भूमि पर हम आए हैं ये भूमि अपवित्र है, ये स्थान अच्छा नहीं है। बोले तू हमें यहां से उठा के कहीं किसी पेड़ की छाया में छोड़ के बेच जा सकता है, छुट्टी है तेरी। बस वो बड़बड़ाते हुए उनको उठा के थोड़ी दूरी पर एक पेड़ था वहां ले जाके उसके नीचे छोड़ा, और जो ही उसने छोड़ा छोड़ते ही रोने लग गया, पैर पकड़ के माफी मांगने लग गया कि मेरे से अपराध हो गया, मुझे माफ करो, गलती होगी पता नहीं मेरे क्यों ऐसे ख्यालात खराब हुए, कैसी गलती मैं नहीं करता लेकिन क्यों हुआ ऐसा कि आप उस बातों को, अब मुझे जो भी दंड देना चाहो दंड दे दो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपको अकारण जो है कष्ट दिया। कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, ये तेरा कसूर नहीं था, वो भूमि ही ऐसी थी खराब जिस पे आते ही तेरे विचार खराब हो गए, अब ये पवित्र भूमि में आते ही तेरे विचार शुद्ध हो गए। अगर न बोले नहीं अब तो आप मुझे जो है खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हो। बोला कि मिट्टी उठा के ला वहां से मिट्टी उठा के बंगवाई, चौका किया और कहने लगे खड़ा होके देख, उस पे खड़ा होते ही फिर वही विचार हो। तो कही है कि संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहां पग धरते, वो पवित्र भूमि है। कहीं गंगा सागर का नाम लेते हो, कहीं त्रिवेणी का नाम लेते हो, कहीं हरिद्वार का नाम लेते हो, कहीं कनखड़ का नाम लेते हो, कहीं मथुरा वृंदावन का नाम लेते हो, क्या है ये सारी की सारी वो पवित्र भूमि है जहां पूज्य लोगों ने या तो कदम रखे या कुछ दिन उन्होंने निवास किया या कहीं किसी ने तप किया, वो चीज प्रसिद्ध हो गई और वो भूमि पवित्र आज भी उनके गुण। अब देखो हर चीज में अपना गुण होता है, उसका जो शक्ति होती है हमें दिखाई थोड़ी देती है, ये बिजली है इनमें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन प्रकट कर ली हमने, अगर इसको नहीं जलाते तो बंद है, कोई तार को देख ले तो पता लगता है कि इसमें है, पानी में क्या क्या शक्तियां हैं, मिट्टी में क्या क्या शक्ति हैं, सारी है। सब बीज दुनिया में जितने हैं सब मिट्टी में हैं, लेकिन कहां प्रकट होते हैं, जहां उसकी ठीक ढंग से उसको पूजा की जाती है। किसान लोग उसकी पूजा करते हैं, कहीं गेहूं पैदा करते हैं, कहीं चने पैदा करते हैं, कहीं टमाटर, कहीं आलू, कहीं भिन्न भिन्न प्रकार के फल और सब्जियां। भूमि वही है, किसी को खट्टा रस देती है, किसी को मीठा देती है, किसी को चरचरा देती है, किसी को किस प्रकार के, सबको अलग अलग रंग देती है। मिट्टी देखने में एक जैसी है, कहाँ से होगी। इसी प्रकार से जिसमें जो गुण होता है इंसान वो वहां से वैसी ही चीज प्राप्त भी कर लेता है जैसा बीज होता है। नेक इंसान हर जगह से बुरी जगह में भी जाके अच्छे गुण प्राप्त करेगा, दुष्ट आदमी अच्छी जगह में भी जाके दुष्ट विचार लेके आएगा, अच्छी चीज नहीं ले सकता, क्योंकि ये बात संस्कार पे होती है, खून पे होती है। इसलिए कह देते हैं ना आजकल तो साइंस का जमाना, बोला कि इसका डीएनए खराब है। डीएनए है क्या, संस्कार है, उसके जातीय गुण हैं, जो जिस जाति में पैदा होता है गुण लेके ही पैदा होता है। परंतु जिस प्रकार से इस लकड़ी का ये गुण काला है लेकिन हम इसको सफेद कर सकते हैं, है ये काला, जातीय गुण है उसका, धुलने के बाद तो वही काला फिर निकलेगा,
लेकिन सफेद रंग इस पे पोतने से सफेद हो जाएगी। इस प्रकार से बुरे विचार भी हम दबा सकते हैं और उनको बिल्कुल भी खत्म कर सकते हैं। हरि नाम प्रभु, नाम प्रभु की भक्ति, उसके नाम का जाप, सुमरण, ध्यान, अभ्यास करने से इंसान के खोटे कर्म धुलते हैं और नेक कर्म जागृत होते हैं। और जहाँ पर प्रभु के नाम का गुणगान किया जाता है, जहाँ शुद्ध विचारों वाले व्यक्ति बैठते हैं, वहाँ का आभा मंडल, वहाँ का वातावरण, वहाँ का देखते नहीं। जहाँ ऋषि मुनि होते हैं, कहते हो आश्रम में मंदिर में जाते ही शांति मिलती है। क्यों मिलती है शांति? वहाँ जहाँ नाम राम के नाम का, उनके गुणों का गुणगान किया जाता है, वहाँ का वातावरण नाममय हो जाता है, राममय हो जाता है, शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और वही पवित्रता जब इंसान के विचारों से जाके टकराती है तो उसको भी शांति मिलती है। दुष्ट आदमी भी सुधर जाते हैं, बड़े बड़े डाकू भी महापुरुषों के संग जाके नेक इंसान बन गए। तो इसलिए मैंने ये विचार आया कि भूमि भी बड़ी पवित्र है। कहाँ पैदा हुए, कहाँ क्या काम, क्या लेना देना, कहाँ कहाँ की मूर्तियाँ किस जगह पे आके इकट्ठी हुई, नहीं? इसलिए ये भूमि भी पावन है। ये बस्ती जब यहाँ बसी नहीं थी उस टाइम का मकान है, सबसे पहला मकान यही है। मॉडल तो ये बना था लेना के वो करे थे, लेकिन हमने इसको चुना था। यहाँ एक भी मकान नहीं था कोई भी। 22 साल हो गए, 23 साल देख लो, बनते बनते कितना वो हो गया। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद।